सेम थर स्वागत है। मैं ये 1 किलो दूध है, इन्हें मैं कढ़ाई में गरम कढ़ाई में छान ली लूंगा था। आज दिखाऊंगी मावा बर्फी बनानो, जो सीकर डिस्ट्रिक्ट की मशहूर फेमस एकदम मावा बर्फी, वह मैं बना कर बताऊंगी। 1 किलो दूध है वो, अभी मैं उबाड़ूंगी और आगे मैं थाने दिखाऊँ कि उबाड़ उबाड़ के की तरीका से तैयार करना। रक्षाबंधन को त्यौहार है तो साथ में मिठाई बहुत ज़रूरी है, तो सादा सुलभ और बिना रंगीन मिठाई बाजार की घर में बनाने के लिए मैं थाने बताऊंगी। बहुत बढ़िया लाजवाब बर्फी बनेंगी और बहुत फेमस बर्फी है। दूध बढ़िया से उबलने लागो है, अब फ्लेम ने कम कर देना है, मतलब मीडियम पर, और इन्हें बार बार चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। और साथ में मैं इनमें 2 इलायची साबुत ही डाल रही हूँ, मतलब बिना कुटी हुई छिलका सहित, और जब दूध उबल रहे हो वो लास्ट में तो ये छिलका निकाल देना है। ये तरीका से उबालना, बहुत फेमस मिठाई बनाऊंगी मैं कम लागत में, बढ़िया मिठाई एकदम स्वादिष्ट घर की। उबड़ उबड़ के आधा होने जा रहे हैं, अब अट्ठे में क्या करूँगी कि यह 100 ग्राम चीनी है, 1 किलो में 100 ग्राम चीनी डालती और चीनी डालकर मैं इन्हें चलाती रहूँगी। छोड़नो नहीं है, एकदम चलाते रहना हो, क्योंकि पेंदा में जब लग जाएगी तो टेस्ट खराब हो जाओगे, तो लगने नहीं देना है, एकदम जलने नहीं देना है, एकदम लाजवाब मिठाई तैयार होगी। तो मैं खाना अठे बताना चाहूँ, इतने मेरे चैनल पर पुराना हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके मैंने बताया करो मेरी रेसिपी थन गए कि लगी, और नया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें करो। ये सब छोटी छोटी रेसिपी मैं थाना आगे देती रहूँगी। आओ तैयार हो मावा बर्फी के लिए, 1 से 1.5 मिनट और इन्हें सिर्फ पकाना है, मध्यम आँच का, तेज नहीं करनी है। और फिर मैं इन्हें एक बर्तन तैयार करूँ, हल्को सो घी लगा के सेट करके लगभग 1.5 से 2 घंटा के लिए छोड़ूंगी। एकदम दानादार रवादार बर्फी तैयार है, एकदम रेडी हो चुकी हूँ और मैं गैस में ऑफ कर दी हूँ। अभी मैं नीचे उतार कर टिफिन में सेट करने के लिए तैयार कर ली हूँ। तो एक अंदर मैं ना पूरा मावा ने डाल के छोड़ दिया, एकदम सेट करके छोड़ दी हूँ। लगभग 1.5 घंटा तक मैं ना नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रखूंगी, उसके बाद में बर्फी कट करके दिखाऊंगी। कितना बढ़िया से जम के तैयार हुई है बर्फी, अब मैं इन्हें कट कर रही हूँ। इस तरीका से पूरी ना कट कर लेंगे। एक अंदर से सब पीस में निकाल कर रेडी कर दी। देखो एकदम तैयार है मावा बर्फी, इस तरीका सा एकदम मावा बर्फी रेडी।